हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। सो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के आज रात क्या फीलिंग्स होने वाली है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी आज रात आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपके पार्टनर अपनी सारी जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियां करी है उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं आज रात, कैसे उन गलतियों को सुधार सकते हैं, कैसे वो वक्त वापस ला सकते हैं जहाँ पे आप उन पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप बहुत प्यार कर रहे हो। ओके, कुछ तो गलतियाँ करी है जिन्हें वो सुधारना चाहते हैं, उन्हें पता है कि वो गलतियाँ सुधारी नहीं जा सकती, या कह लो वो वक्त जो आपने मुश्किल में काटा है और जो एक पेन में और हर्ट हुए हो आप पास्ट में उनकी जिन गलतियों की वजह से, वो तो ठीक नहीं हो सकता, ये चीज़ उन्हें पता है, दे नो दैट। पता है मुझे क्या सुनाई दे रहा है? ब्रिंग बैक पास्ट डेज, मतलब जो पुराने दिन है वो क्यों वापस नहीं आ सकते, क्यों हम फिर से नहीं मिल सकते, क्यों तुम फिर से मुझसे प्यार नहीं कर सकते। यू नो दे वॉन्ट टू रीलीव, यू नो उनको लगता है कि पास्ट, आप दोनों पास्ट में जाओ और फिर से उन आप दोनों वो दिन जियो और वो कोई गलती ना करें। दे वॉन्ट टू गो बैक इन द पास्ट एंड अपनी गलतियाँ सुधारना चाहते हैं। ओके, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, आपका प्यार खो दिया है, आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आपकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो। आज रात को ना इस पर्सन को एक बहुत शॉकिंग एक रियलाइजेशन होगा कि शायद अब आप वो पर्सन नहीं रहे जो आंखें बंद करके इन पे ट्रस्ट करेगा या जो इन्हें हर बार माफ़ कर देगा। यू आर चेंज्ड, वो समझ चुके हैं कि यू आर नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। ठीक है, खो चुके हैं वो आपको, एंड अपनी गलतियों का बोझ लेकर एक एक कदम आगे खींचते हुए मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इतना गिल्ट है, इतना पछतावा है, इतनी बुरी मेमोरीज उन्होंने आपको दी है, इतना पेन दिया है, इतना हर्ट दिया है कि अब वो सारी चीज़ें उनको मतलब मुझे इतनी मुश्किल में दिख रहे हैं आपके पर्सन, बोझ तले दबे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं गहराई से, कुछ प्लान करते हुए दिख रहे हैं। ओके, जिससे कि आप दोनों के बीच की जो दूरियां उन्होंने बना रखी है उसको वो मिटा सके, जो गिले शिकवे है उसे मिटा सके, आपके करीब आ सके, आपका ट्रस्ट जीत सके। सो या दैट इज़ व्हाट आई सी। उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता वन साइडेड हो चुका है, अब आप उनसे प्यार नहीं करते। पास्ट में आप बहुत प्यार करते थे, बेशुमार प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे, लेकिन उन्हें लग रहा है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब आप उनसे वो प्यार नहीं करते जो पहले करते थे। दे हैव लॉस्ट यू, दे हैव लॉस्ट योर लव। काफ़ी टाइम से जो अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, सच बोलना चाहते, दे वॉन्ट टू ओपन अप। बहुत कुछ है जो दिल में दबा रखा है, बहुत कुछ है जो मन में छुपा रखा है, नाउ दे वॉन्ट टू ओपन अप। सच बोलना है मुझे, ऐसी फीलिंग है इस पर्सन की, चाहे फिर कुछ भी हो उसका अंजाम, मुझे सच बोलना है। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उनकी तरफ से जो ऑब्स्टैकल्स थे या उनकी तरफ से जो भी इश्यूज आ रहे थे, चाहे फिर वो उनके बिहेवियर की वजह से हो, उनकी सोच की वजह से हो, उनकी फैमिली की वजह से हो, या जो उनका डर है फ्यूचर को लेकर, कमिटमेंट ना दे पाना, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है ना, उन्होंने अपने प्रॉब्लम पे मात कर लिया है। और अगर कोई थर्ड पार्टी भी थी, अगर लाइक रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो मुझे लगता है उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। मतलब अपने तरफ से अब वो कोई गलती नहीं करना चाहते, गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू मेक श्योर कि अगर वो इस बार आ रहे हैं तो सच्चाई के साथ आए, आपका ट्रस्ट जीते, आपका प्यार जीते, किसी भी हाल में वो अब आपको खोना नहीं चाहते हैं।
उन्हें यकीन है कि आप उन्हें मौका दोगे, आप उन्हें समझोगे, आप उनसे प्यार करोगे. दे हैव दिस फेथ के मैं सब ठीक करके रहूँगा, भगवान का आशीर्वाद है हमारे रिश्ते के लिए. ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की. वो प्रे करते हुए दिख रहे लिटरली मुझे कि भगवान हमें मिला दो, मुझे शक्ति दो कि मैं सारे प्रॉब्लम से लड़ सकूँ, उसके करीब जा सकूँ, उसका ट्रस्ट जीत सकूँ, उसका दिल जीत सकूँ. एक एक आखिरी लीप ऑफ फेथ लेना है इस पर्सन को, एक आखिरी स्टेप लेना है आपकी तरफ, और जो दूरियां है पूरी तरह से मिटाने के लिए एक ही कदम उठाना है इस पर्सन को, एक लास्ट कुछ डिसीजन लेना है. ओके, देखिए इस पर्सन को ये भी पता है कि इस बार अगर वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा उनको, अपने अंदर बहुत से बदलाव लाने पड़ेंगे. इतना आसान नहीं होगा आपका ट्रस्ट जीतना, आपका प्यार जीतना. सो दे अंडरस्टैंड दैट दे आर रेडी हर हर सैक्रिफाइस करने के लिए, हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, आपका वेट करने के लिए. दे आर रेडी, अपने आप को बदलना चाहते हैं पर्सन आपके लिए, और मुझे लगता है बदल चुके हैं. जो गुरूर था ना, जो एक भ्रम पाल रखे थे कि जी सकते हैं आपके बिना, जो गुरूर था बाकी चीज़ों का, बाकी लोगों का, वो गुरूर नहीं रहा है, टूट चुका है. मुझे नहीं लगता इस पर्सन के लाइफ में आपके जाने के बाद या आपसे दूर होने के बाद कोई सक्सेस भी मिली है इनको अपने करियर में, अपने मतलब हर जगह से ठोकर खाई है, हर जगह से हारे हैं. आपको नहीं खोना चाहते ये पर्सन. मुझे लगता है इनका किसी ने दिल भी तोड़ा है, जैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा ना एक वक्त पे, वैसा ही इनका दिल किसी ने तोड़ा है, वैसा ही इनको पेन किसी ने दिया है. जो रिश्ता मे बी अगर इनके लाइफ में कोई और था, जिनके लिए इन्होंने डंके के चोट पे आपको कहा था कि मैं उसके साथ सक्सेसफुल बना के रहूँगा रिश्ता, उसी पर्सन ने उनका दिल तोड़ा है, उनका ट्रस्ट तोड़ा है, उनका दिल चूर चूर कर दिया. अब अकेले पड़े हैं. अब उन्हें लग रहा है कि काश मैंने वो पर्सन जो मुझसे सच्चा प्यार करता था उसकी अहमियत समझी होती. कुछ आपने गिफ्ट दिए है तो उसको देख सकते हैं, आज रात को निकाल के बैठ के निहारते हुए दिख रहे हैं मुझे, या कुछ प्यार भरे मैसेजेस कुछ तो है. देर आर लवली मेमोरीज. ओके, कुछ कुछ तो है इमोशनल सी, या तो कोई बात है, या तो कोई मेमोरी है, या तो कोई चीज़ है जो ये पर्सन आज रात को निहारते हुए ही पूरी रात बिता देंगे. दे विल मिस यू, दे विल मिस यू अलॉट. उन्हें ऐसा भी लगेगा कि अगर वो रीच आउट करते हैं, अगर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे. अब वो अपनी फीलिंग्स अपने मन में नहीं रखना चाहते, दे वॉन्ट टू ओपन अप. उन्हें लग रहा है बहुत हो गया, अब दिल में कितने दिन रखूँगा मैं अपनी फीलिंग्स को. नाउ आई वॉन्ट टू ओपन अप, नाउ आई वॉन्ट लव इन माई लाइफ. आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं. सॉरी भी बोल सकते हैं अगर कोई गलती करी है इन्होंने, गलती नहीं भी करी है ना तो भी आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं जो भी किया है इस पर्सन ने आपके साथ आज तक. स्टॉक तो काफ़ी करते हैं, वैसे भी ये पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है और ज़्यादा स्टॉक करेंगे ये आपको. देखना चाहेंगे कि इमोशनली आप कहाँ पे हो, किस पेज पे हो, क्या आप भी उनसे रियूनाइट होना चाहते हो, क्या आप भी उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, या फिर ये उनके इकलौती वन साइडेड फीलिंग है. जुबा पे कोई बात है, बस जुबा पे कोई बात है जिसे ये बोलना चाहते हैं, बट जुबा पे ही आंखें रुकी रुक रही है ये बात. क्योंकि वो श्योर नहीं है कि आप इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते भी हो या नहीं. दे आर नॉट वेरी श्योर कि उन्हें यूनिवर्स एक मौका देगा भी या नहीं. धीरे 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 कदम बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ, एकदम से नहीं, धीरे धीरे. ये आपकी ज़िंदगी में घुसना तो चाहते हैं लेकिन हमेशा के लिए, और बहुत धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक के उठा रहे हैं, सोच समझ के एक एक कदम उठा रहे हैं, क्योंकि अब वो जाना नहीं चाहते, अब वो हमेशा के लिए रहना चाहते हैं आपके साथ. मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है, ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने बेशकीमती चीज़ खो दी है. पत्थर की खोज में उन्होंने हीरा खो दिया है. ओके, आप एक हीरा हो उनके लिए, बेशकीमती हीरा, एक कोहिनूर का हीरा हो आप उनके लिए, एंड उन्हें लग रहा है कि उन्होंने खो दिया. आप मुझे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है धीरे धीरे,
और बहुत ही प्यार से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ये लिटरली आपको ऐसा बोल सकते कि तुम मेरे दिल की रानी हो, तुम मेरे दिल का राजा हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता मेरी ज़िंदगी में, नो वन कैन टेक योर लाइक प्लेस इन माई हार्ट एंड माई लाइफ। इतना कुछ ये बोलेंगे ना कि आपको शॉक फील होगा, सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये इंसान इतना कुछ फील करता है, कभी इसने बताया तो नहीं, कभी इसने शेयर तो नहीं किया मेरे साथ। अब ये सारी बंदिशें तोड़ना चाहते हैं, अब ये सिर्फ देखना नहीं चाहते हैं, इनको लग रहा है बहुत हो गया, बहुत देख लिया, बहुत वेट कर लिया, इट्स हाई टाइम कि अब मैं कुछ एक्शन लूँ। ओके, क्योंकि इनको लगता है आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए, कोई कोई और आपके दिल में ना जगह बना ले। एक बात बोलूँ मैं, ये पर्सन आपके साथ शादी करने के सपने देखते हैं, जो पहले देखे थे ना उन सपने को पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट टू हैव अ फैमिली विथ यू, ठीक है, वही आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर बनना चाहते हैं। दे वेरी फिक्स्ड अपॉन दैट, उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते का जो मकसद है या इस रिश्ते का जो एंड रिजल्ट है वो शादी है, शादी से कम नहीं, शादी से ज़्यादा नहीं, आप डिज़र्व करते हो उनका लाइफ पार्टनर बनना। ओके, सो या दैट वॉज इट, आई होप के ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करना, पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड मैंने और दो वीडियोज़ भी सुबह डाले हैं तो अगर आपने नहीं देखे लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।